प्लस बी होल स्क्वायर लेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस वन ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। और ये कैसे होगा, ए माइनस वन ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू y होल स्क्वायर लाइक दिस। इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आप देखिए नंबर फर्स्ट में स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी हमारा वन ओवर ए प्लस बी स्क्वायर, प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे वन ओवर ए लिखेंगे, तो वन ए प्लस वन ओवर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए और वन ओवर ए प्लस वन ओवर ए का स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूले में बी के रिप्लेस ए वन ओवर ए पुट करेंगे और ए के रिप्लेस स्मॉल ए, राइट साइड में एक्स एक्स ए ए से कैंसिल हो गए। इसी तरह इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड में, देखिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू वन ओवर ए, यहाँ पे हमारा ए कैपिटल ए है, वन ओवर ए कैपिटल बी है, प्लस वन ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इस चीज का आप खासतौर पर ख्याल रखें, जो फॉर्मूला जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है उसे सामने लिखेंगे। इसके लिए माइनस का फॉर्मूला तो ये हमने सामने लिखा हुआ है, इसको इस फॉर्म में सॉल्व कर दिया, जहाँ पे कैपिटल ए है वहाँ पे स्मॉल ए लिख देंगे, जहाँ पे वन ओवर ए बी है जहाँ पे कैपिटल बी है वहाँ पे वन ओवर बी लिखेंगे, लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी, तो आप सॉल्व कर देंगे तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ये आपको स्टेप याद रखना है, अगर ये ए प्लस वन ओवर ए और ये क्यूब में दिया जाता और दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए तो फर्स्ट का क्यूब लेकर सेकंड के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। अगर ये ए प्लस वन ओवर ए है और ये ए प्लस वन ओवर और ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर होता तो फिर भी हम फर्स्ट का जो स्क्वायर लेते बोथ साइड, तो यहाँ पे माइनस है या डिफरेंट साइन है तो दोनों का स्क्वायर लेकर सेम साइन में चेंज करते हैं। बेटे यहाँ पे तब लिख लीजिए ताकि नेक्स्ट स्टेप आगे चले, यहाँ तक लिख लीजिए, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, फॉर्मूला को देखते हुए कीजिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम, स्मॉल ए कैपिटल ए और बी जो है वो वन ओवर ए, यहाँ पे भी स्मॉल ए और बी वन ओवर ए, राइट साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड में उनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ए से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए कैंसिल मैंने करते हुए। अब ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट किसके इक्वल आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू प्लस वन ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टू प्लस वन ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसके दो मेथड है, हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये इक्वेशन नंबर थ्री और ये इक्वेशन नंबर फोर आ गई, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड माइनस प्लस
माइनस माइनस ये वन ओवर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या आंसर आ गया, फोर आ गया। इसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या आ जाएगा, टू प्लस टू फोर हो जाता है। ये भी इसके माइनस इज टू प्लस होगा, प्लस की साइन टू के साथ ऐड होगी, तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। अब आप देखें इसके अंदर ए खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके कैसे इन फॉर्मूला के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं ज्यादा बोर्ड में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं मैं अभी आपके सामने करता हूं, आप उसको कॉपी डाउन कीजिए ताकि आपके पास हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कर लिया, अब इसका मैं आंसर लिखने लगा हूं, इसको रिमूव करते हुए, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, आपको शायद नीचे बोर्ड बोर्ड का काम है, तो मैं ऊपर का स्टेप खत्म करते हुए करने लगा, ऊपर का स्टेप खत्म करते हुए आंसर लिखने लगा हूं। क्या आएगा इन दोनों को ऐड करने से, ये ए स्क्वायर आया था और ये ए ए से कैंसिल हो गया था, तो इधर फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप इसको आंसर पाओगे, देखिए इसके अंदर ए एलिमिनेट हो चुका है। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखिए, आंसर लिख लिया, अब ये मैं फॉर्मूला उसी तरह लिखा रहे, इसका एक और क्वेश्चन बना, ये प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं पहले फॉर्मूला का जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो करते हैं। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं, ए प्लस वन ओवर ए इज इक्वल टू एक्स, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एलिमिनेट ए। अब हम इसमें देखें दोनों इक्वेशन, नंबर वन इक्वेशन एंड दिस वन इज ए नंबर टू इक्वेशन, प्लस का स्क्वायर लिया हुआ है, यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर ले लें, सेकंड को छोड़ दीजिए ताकि इसके अंदर देखते हैं, इसका स्क्वायर लेने से इसके इसमें ए स्क्वायर प्लस वन और ए स्क्वायर आता है, देखिए फर्स्ट का स्क्वायर करने लगे हैं, ए प्लस वन ओवर ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट फाइव स्केलिंग, फर्स्ट स्केलिंग इक्वेशन वन, फर्स्ट इक्वेशन का हमने स्केल रख दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा,
ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, बी हमारे पास यहाँ पे क्या है वन ओवर ए, ये आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दे ये कैंसिल हो, आंसर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ और ये टू बाद में टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर थ्री आ गई। अब आप देखें टू और थ्री को कंपेयर करें, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया गया, अब देखें ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर किस इक्वल है वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया हुआ है ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर, तो क्या टू की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर की सेकंड में से जो वैल्यू है इसकी वो क्या है वाई स्क्वायर, तो इसके आप वाई स्क्वायर लेंगे आप खत्म हो जाएगा ये। देखें हमें इसका स्केल लिया, इस इक्वेशन का बोथ साइड स्केल लेने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ए से कैंसिल हो गया, हमने इसका आंसर ए स्केयर और वन ओवर ए स्केयर दोनों को बस पहले लिख लिया। अब ये टू हमारे पास था तो ये टू को साइड में इजिकल एक्स, अब आप देखें ए स्केयर प्लस वन ओवर ए स्केयर ये भी है, ये भी ए स्केयर प्लस वन ओवर ए स्केयर और इसकी वैल्यू क्या है y स्क्वायर, तो 2 में a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर की वैल्यू लेकर थर्ड में जहां पे a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पे लिख देंगे तो वो क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब आप देखें इसमें हमारे पास खत्म हो गया a, खत्म हो गया। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है बहुत छोटा सा, एक का दिया दूसरा एक का स्क्वायर नहीं दिया दूसरे का प्लस का स्क्वायर दे दिया तो फर्स्ट का स्क्वायर लेंगे वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ओके इसी तरीके से ये देख लीजिए, अब मैं इसी क्वेश्चन को इसको माइनस करने लगा, इसको माइनस करते हैं इसी क्वेश्चन को चेंज करते करते हुए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो। देखिए मैं इसको माइनस करता हूँ, अगर ये क्वेश्चन है और यहाँ इसके साइन जो है वो माइनस कर ये माइनस, अब हम दोबारा इसी का अगर स्क्वायर लें तो देखिएगा a माइनस वन ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू x होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस टू ए बी, बी हमारा क्या है वन ओवर प्लस वन ओवर a होल स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ए से कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर पहले लिख लिया, ये प्लस वन ओवर ए स्क्वायर भी पहले लिख लिया, माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप देखें ये भी ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर प्लस, इसकी ये जो वैल्यू वाई स्क्वायर है वो इसमें पुट कर दो, वाई स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टू, तो क्या आ जाएगा ये y स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू या y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। अब आप देखें टू उधर माइनस जाकर प्लस हो जाए तो आप इसके अंदर ये खत्म हो, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कभी माइनस देकर कभी प्लस देकर। आपने ये सोचना है कि जिसकी पावर सिंगल दी गई थी और ये अगर स्क्वायर है तो अब क्यूब का करते हैं, अगर ये दे दिया जाए तो ये क्यूब का क्वेश्चन दे दिया जाए कैसे करेंगे, लेकिन जब ये क्यूब होगा तो इसी की साइन का क्यूब होना चाहिए, प्लस है तो प्लस का क्यूब होगा माइनस है तो माइनस का क्यूब होगा, स्क्वायर और क्यूब बस दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर एट एक्सरसाइज 8.1 दोनों क्वेश्चन की तमाम बिट्स इसी फॉर्मूला से हो, स्क्वायर लेना है क्यूब लेना है दैट्स ऑल, स्क्वायर लेकर अगर ये देखें इस तरह भी हो सकता है कि प्लस का ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वन ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो अब अगर ये साइन दोनों की सेम हो गई लेकिन साइन डिफरेंट है तो फिर इसका फर्दर स्क्वायर लेकर करेंगे, क्योंकि दोनों की साइन और पावर सेम हो जाए तो एक वैल्यू दूसरी की जगह पुट करके आंसर। अब इसको कर लीजिए, देखिए आंसर भी मैंने लिख दिया, फॉर्मूला भी बना दिया, यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने
ओके, ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूला की एप्लीकेशन है, ये फार्मूला की एप्लीकेशन ही आपको अल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन को शो करती है। जी बिल्कुल। ओके बेटे, नेक्स्ट और क्वेश्चन एक करते हैं, देखिए इसके 8 और 4 की नंबर वेरिएबल चेंज कर दिया, ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, तमाम क्वेश्चन आपने कल का होमवर्क, कल आपको होमवर्क दिया जाएगा तो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसी फॉर्मूला के क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर लास्ट का एक और फॉर्मूला है उससे करने हैं तो आपकी चैप्टर खत्म हो गया। देखिए दोबारा से, वाई प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 2a और y क्यूब प्लस 1 ओवर y क्यूब इज इक्वल टू 64b³। एलिमिनेट y, एलिमिनेट y को एलिमिनेट करते हुए We have to find the relation between them. अब आप देखें यहाँ पे दोनों की साइन सेम है, पावर एक ही क्यूब है, एक ही क्यूब नहीं है, सिर्फ 1 है, इसमें जिसकी पावर 1 है उसका होल क्यूब लेंगे तो उसमें इसका आंसर ये पुट कर देंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब करने लगा, आप क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने इसलिए किया कि आपको स्क्वायर के फॉर्मूले से दो क्वेश्चन पढ़ाए क्यूब के बारे में, तो ये स्क्वायर और क्यूब के फॉर्मूलों से ही तमाम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरह ही किया जाएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से ही कुछ ज्यादा से ज्यादा बिट्स आपकी दूसरे भी करवाऊंगा, लेकिन ये खास तौर पे ताकि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन भी एनुअल के साथ साथ होती है। देख लीजिए, फ्रॉम 1 y प्लस 1 ओवर y होल क्यूब इक्वल टू 2a होल क्यूब, क्या आंसर आएगा? अब क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो आपका सोल्यूशन सेट है, आपको सॉल्व हो जाएगा। अगर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जरा डिफिकल्ट होगा, इसमें वैल्यू मालूम करना भी इसी फॉर्मूले से है, और ये एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 8 और 4 यूनिट नंबर 8 के दोनों इसी फॉर्मूले से होंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो जहाँ पे इसी साइन माइनस है वहाँ प्लस है, वहाँ पे सब साइन चेंज कर। देखिए मैं नीचे माइनस लगा रहा हूँ, माइनस से बनेगा ये माइनस, ये भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का फॉर्मूला बन गया। ओके, अब इसका क्यूब लेते हैं, ए हमारा क्या है वाई, बी क्या हमारा 1 ओवर, तो ये वाई क्यूब प्लस 1 ओवर y³, वाई क्यूब प्लस 1 ओवर, उसके बाद क्या है प्लस 3 y 1 ओवर y इंटू y प्लस 1 ओवर इज इक्वल टू 8a³, 2 का क्यूब 8 होता है। देखें ये हमारा a है,
हमारा ए ए क्यूब, ये बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ए और ये बी, ए क्यूब बी क्यूब थ्री बी। और इसकी जगह ये अगर पुट कर दिए जाए, देखिए इसकी जगह मैं वाई क्यूब लिख दिया प्लस वन ओवर वाई क्यूब प्लस थ्री वाई वन ओवर वाई वाई प्लस वन ओवर वाई। ओके ये देखिए कैंसिल, जब कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचा, वाई इधर के आपके पास आ गया एट ए क्यूब आ गया। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, वो मैंने आपको फॉर्मूला इससे बताया था, देखिए मैंने इस तरीके से फॉर्मूला दिया। तो आप डायरेक्ट भी इसमें नीचे भी लिखकर फॉर्मूला कर सकते हैं, उसमें उनकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। मैंने साइड में लिखा फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर लिखना। अब आपका क्या आंसर आएगा, यह आएगा वाई क्यूब प्लस वन ओवर वाई क्यूब प्लस थ्री वाई प्लस वन ओवर वाई इज इक्वल टू एट ए क्यूब। अब वाई क्यूब प्लस वन ओवर वाई क्यूब किसके इक्वल है, 64 बी क्यूब के, ये 64 बी क्यूब प्लस थ्री ये क्या है, इसके इक्वल है 2a इज इक्वल टू 8 ए क्यूब। क्या आंसर आएगा, 64 बी क्यूब प्लस 6a इज इक्वल टू 8 ए क्यूब। अब देखें इसके अंदर y खत्म हो गया, इसमें कोई y है क्या, आंसर में y तो नहीं आ रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर में ये आगे लिखने लगा हूँ, 64 बी क्यूब प्लस 6a इज इक्वल टू 8 ए क्यूब। या आपकी मर्जी है, क्यूब वाले इधर कर ले और स्क्वायर क्यूब दूसरी तरफ ले जाए, इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। यहां तक भी आपका आंसर सही है, क्योंकि इसमें एलिमिनेट करना था वाई, तो इसके अंदर वाई की वैल्यू वाई खत्म हो चुका है इंडिपेंडेंट ऑफ वाई को। ओके इसी तरह के क्वेश्चन एक और मैं आपको देता हूँ, इसको भी कर लीजिए, क्यूब के फॉर्मूले का भी कर लीजिए, एक क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। स्क्वायर का करवाए थे दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं अभी क्यूब का करवाया, और मैं फिर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तमाम बेस जो है इसी फॉर्म से है, स्केयर से और क्यूब से, जहाँ स्केयर का फॉर्मूला स्केयर का अप्लाई कीजिए, जहाँ पे क्यूब का है वहां पे क्यूब कर दीजिए। यूनिट नंबर 8 नई बुक, अगर आपने 10th की सेपरेट है तो उसका यूनिट नंबर 1 होगा, अगर कंटिन्यूटी में दिया हुआ है तो 8 होगा। एलिमिनेशन देख लीजिए, आपने कंटेंट में देखें कि वहां पे एलिमिनेशन दिया होगा, चैप्टर एलिमिनेशन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट। फार्मूला याद रखें, फार्मूला जो है वो बार बार आपको अप्लाई करना है, फार्मूला आ जाए मैथ्स आ जाता है, अलजेब्रा जो है इस फार्मूला से रिलेटेड। ए प्लस माइनस बी होल क्यूब, प्लस है तो ऊपर की साइन आएगी, नेगेटिव है तो नीचे की साइन। चैप्टर नंबर 4 आपने जो किया था 9th में वो आपका रिकॉल हो रहा है, क्यूब का फॉर्मूला और स्केयर का फॉर्मूला, उनकी एप्लीकेशन हम कर रहे हैं यहाँ।
जी बेटे, क्वेश्चन नंबर फोर के बिट नंबर वन देखिए और क्वेश्चन नंबर एट के बिट नंबर क्या है वो थर्ड देखेंगे, दोनों सेम है, सिर्फ फर्स्ट लेफ्ट साइड में उसके एक्स को वाई कर दिया गया, दोनों सेम क्वेश्चन है, एक्स से भी वही फॉर्मूला है, वाई से भी वही फॉर्मूला, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चले बेटे, ओके चले बेटे, अब मैं दोबारा से क्वेश्चन ये एट का थर्ड और फोर का फर्स्ट जो है वो कराने लगा हूँ, फॉर्मूला जो अप्लाई होगा स्क्वायर का ही होगा, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसमें जो मिस्टेक करते हैं आप लोग वो मैं तकरीबन 90% बच्चे जो है वो गलती वो करते हैं, वो मैं उसको दूर करने के लिए आपको बताने लगा हूँ कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर की बिट नंबर वन, फोर क्वेश्चन फोर ऑफ 8.1 बिट नंबर वन, एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी एंड एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन, यहाँ पे एलिमिनेट वाई, एलिमिनेट एक्स, एक्स को एलिमिनेट करना। तो दोनों का बोथ साइड है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है और पावर सेम है लेकिन मिडल में साइन डिफरेंट है, इसलिए दोनों का स्क्वायर बोथ साइड लेंगे, फर्स्ट का भी लेंगे और सेकंड इक्वेशन का भी लेंगे, ये नंबर फर्स्ट इक्वेशन है और ये नंबर सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों का बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फर्स्ट का किया एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी होल स्क्वायर, और इसका क्या आएगा x माइनस वन ओपन x होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्लस वन होल स्क्वायर। बहुत एहतियात से बहुत तवज्जो से ये क्वेश्चन समझना है, क्योंकि इसमें एक ही मिस्टेक होती है, वो वही मिस्टेक कॉमन है सब बच्चों में, हमेशा भी जब पेपर चेक करते हैं तो उसमें वही मिस्टेक होती है जो हर साल बच्चों को बताई जाती है कि ये क्वेश्चन इस वजह से दिया जाता है कि बच्चे इसको गलत करते हैं, तो हर साल कोशिश की जाती है रिपीट करने की। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये ए प्लस बी बन गया, इसका फॉर्मूला क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला एक्स होल स्क्वायर माइनस टू एक्स वन ओवर एक्स होल स्क्वायर वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी ए प्लस बी है, ये आप क्या करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं, ये गलत होता है, ये सही इस तरीके से करना है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी दो टर्म्स हैं, लिहाजा जैसे ये दो टर्म्स हैं इसके भी टू टर्म्स का करेंगे तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, माइनस टू को उधर ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन प्लस टू, तो क्या आ जाएगा फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस थ्री। अब x इसका आंसर क्या आएगा, x ऐसे कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू में बाद में लिख लिया फोर क्यू स्क्वायर। अब आप देखें अगर टू को मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पी स्क्वायर माइनस टू, ये जो वैल्यू है आप इसी का पुट करते हैं तो ये देखें ये और ये दोनों सेम, फर्स्ट की जो वैल्यू मालूम की लेफ्ट साइड की वो आप इसमें पुट करते हैं तो आप इसके अंदर एक्स एलिमिनेट कर देंगे, ओके इसको ये इसके नीचे लेकर माइनस कर देंगे इसको पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी फोर पी स्क्वायर माइनस टू, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो यहाँ पे फोर पी स्क्वायर माइनस टू इस जगह लिख देंगे तो आपका एक्स एलिमिनेट हो जाएगा और नंबर को दूसरी तरफ भेजिएगा आपका आंसर यहाँ तक आप कीजिए। खासतौर पर कोई बस दोबारा से देखिए इस तरह ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इधर आपका ये दिया है दोनों की पावर्स वन वन साइन दोनों की डिफरेंट है तो हम स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड इसका भी स्केयर किया लेफ्ट साइड राइट साइड इसका भी स्केयर करेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड इसका स्केयर ए प्लस बी का स्केयर बनता है ये लिखा गया ये फोर पी स्क्वायर ये ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी और ये ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी। आपकी गलती क्या थे फोर क्यू स्क्वायर प्लस वन लेते थे तो उसका टू ए बी मिडल में नहीं लिखते मैं फर्स्ट का स्केयर और लास्ट का स्केयर लेते थे क्या ए प्लस बी का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो नहीं होता ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता। लीजिए बेटा लीजिए आपको कुछ पूछना है मैसेज पे लिख दीजिए मैसेज पे भी लिख दीजिए।